एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवलिंग फैमिली में। आज हम आपको अपने साथ लेकर आए हैं अपने मॉर्निंग रूटीन पे। इसमें हम एक कम्युनिटी पार्क में जा रहे हैं जो कि हमारे घर के पास ही लोकेटेड है और बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ हुआ है। मैं आपको वहाँ की भी एक स्ट्रोल कराऊंगी और उसके बाद हम जाएंगे 10 प्रकाशा ब्रेकफास्ट करने। निकल आए हैं पार्क के बाहर अपनी मॉर्निंग वॉक करके और हमने काफ़ी सारी आपको पार्क की जितने भी वहाँ पे अमेनिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं वो सब दिखाई हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने वहाँ पे 10 प्रकाशा अशोक विहार। तो मॉर्निंग वॉक के बाद अब हम आ चुके हैं 10 प्रकाशा और यहाँ हम ब्रेकफास्ट करेंगे और मैं सारा का सारा मेन्यू भी आपको दिखाऊंगी, इनके पास क्या क्या ब्रेकफास्ट ऑप्शंस हैं इनसे वो भी बात करेंगे और बस चलिए फिर इसको एक्सप्लोर करते हैं। वीडियो में हमारे साथ बने। तो अब हम अंदर आ चुके हैं 10 प्रकाश में। आप देख सकते हैं इनकी इंजीनियर बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही यूनिक सा इंटीरियर्स किए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे से पहले भी कोई आए हैं फॉर ब्रेकफास्ट और आपके यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइमिंग कितने बजे से स्टार्ट होते हैं? 8 बजे। 8 बजे ओपन हो जाता है सारा कुछ ब्रेकफास्ट में आप सर्व करते हैं? क्या क्या? साउथ इंडियन पूरा, पूरा कंप्लीट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में मिलता है। तो इडली में क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? इडली, मैसूर इडली, स्टीम इडली, राइस इडली सब मिलेगा। मैसूर इडली में क्या होता है? मैसूर इडली सर वो स्पाइसी होती है। एक मैसूर इडली लगा दो और प्लेन इडली भी रहता है? जी सर, स्टीम इडली। अच्छा, एक और इसके अलावा इडली वड़ा डोसा। अच्छा, एक वड़ा लगा दो, एक मेदू वड़ा सर। उत्पम मिलेगा? उत्पम मिलेगा। हाँ, एक मिक्स उत्पम कर दो। बस अभी यही करते हैं और साथ में दो कॉफ़ी लेना। साउथ इंडियन फिल्टर कॉफी। हाँ, साउथ इंडियन फिल्टर और एक बटर मिल्क भी दे दो हमको, हम पहले पी टेस्ट कर लेंगे। अनियन रवा मसाला, ये रागी रवा प्ले, रागी रवा मसाला एंड अनियन रवा मसाला। चलो ठीक है, इडली वाला कॉम्बो
ये अनियन टमाटो। इडली वाला कॉम्बो, ये अनियन टमाटो। मैंने स्टार्टिंग करी है बटर मिल्क से और बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी बटर मिल्क है। फ्रेश है, एकदम फ्रेश है। और मैंने आज तक ऐसा बटर मिल्क नहीं पिया। इन्होंने इसमें पुदीना भी डाला हुआ है तो और ज़्यादा को बीट कर। सच में नहीं पिया, सीरियसली आप पी के देखो और आपको पता लग जाएगा कि ऐसा बटर मिल्क मैंने नहीं पिया फ्रेश। मतलब बाहर घर में तो हम बना सकते हैं ना, बाहर नहीं पिया। अच्छी सांभर है। इन्होंने जो सांभर में इडली डली, इमली का पानी डाला होता है ना, इमली नहीं डाली हुई है इन्होंने सांभर में बिल्कुल भी। और तुवर दाल से सांभर बनी हुई जैसी सांभर होती है, बस एक इमली नहीं है। यहाँ पे इन्होंने तीन डिप्स दी हुई है, साउथ इंडियन, तीन साउथ इंडियन डिप्स हैं यहाँ पे। एक है नॉर्मल नारियल चटनी, वो मैं वड़ा के साथ ट्राई कर रही हूँ। वड़ा प्रॉपर क्रिस्पी है और नारियल चटनी भी बहुत टेस्टी है। इसके बाद एक ये और चटनी है, ये भी नारियल चटनी है। इसमें सरसों का फ्लेवर है और साथ में मूंग दाल का टेस्ट भी आ रहा है। अच्छी है। अभी वड़ा ट्राई करते हैं, बहुत क्रिस्पी वड़ा है। पीनट चटनी है, पीनट चटनी है। कैसे हैं दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन? पीनट चटनी के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा। और सांभर, सांभर कैसी लगी आपको? सांभर अभी मैंने नहीं ट्राई करी। बहुत ही अच्छी लाइट फ्लेवर की सांभर है, बिल्कुल फ्रेश। सबसे बड़ी यूएसपी यहाँ की है कि सब खाना टोटली फ्रेश है। और ये घी पोंगल है, ये मालाबार पराठा विद कोरमा। मैं भी मिक्स वेज उत्पम, मिक्स वेज उत्पम। आरसी तो अब मिस्टर मेहता इसका मेरे को रिव्यू देंगे खा के पहले। बहुत बढ़िया कुछ भी है, अगर अच्छी तरह अच्छी से है तो खाना भी अच्छा होगा। खाने की कुछ भी अच्छी है, पहले मैं टेस्ट करूंगा पीनट चटनी के साथ। अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ हुआ है, मिक्स्ड उत्पम विद पीनट चटनी इन 10 प्रकाशा। रियल साउथ इंडियन, असली साउथ इंडियन। मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हम दिल्ली में बैठ के इतना बढ़िया खाना खा रहे हैं साउथ इंडियन, इतना फ्रेश। 9 मार्क्स आउट ऑफ 10। ये मैं मैसूर इडली, ये कुजी पनियारम। क्या है ये? कुजी पनियारम राइस का है। ओके। इडली, मैसूर इडली विद पीनट चटनी। अच्छी है इडली, फ्रेश है। और जो मैसूर मसाला डोसा खाते हैं ना, उसके ऊपर के बैटर में ही सोटे की हुई
जैसे हम घर में उसको बोलते हैं ना टोमेटो इडली, उस टाइप से ही इन्होंने मैसूर मसाला में टोमेटो इडली का। तो ये जो चटनी है ना शायद इसका बेस होगा, मैं ट्राई करती हूँ। ये मैसूर मसाला इडली हमने जो मंगाई थी, इसलिए मेरे साथ थोड़ा सा एक ये इशू है कि जैसे कि हम थोड़ा ये फिल्टर कॉफ़ी ले आए हैं हमारे लिए, तो इसमें क्या है ना इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है। देखिए हम इतना ऑयल तो हम खाते नहीं हैं, पता नहीं इन्होंने शायद फ्राई करके बनाई है या क्या, पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल है। और इडली तो एक हेल्दी ऑप्शन में आती है, तो इस वजह से मेरी तरफ से तो इसको मार्क्स 4 out of 10 होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयल है, हमसे खाई ही नहीं जा रही है। और ये आई है फिल्टर कॉफ़ी, साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी। अब हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसी है। You want to add sugar? Yes. How much? 2 cubes. 2 cubes. That's it. तूने बोला ना 2 cubes। ये मैसूर मसाला इडली हमने जो मंगाई थी, इसलिए मेरे साथ थोड़ा सा एक ये इशू है कि जैसे कि हम थोड़ा ये फिल्टर कॉफ़ी ले आए हैं हमारे लिए, तो इसमें क्या है ना इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा है। देखिए हम इतना ऑयल तो हम खाते नहीं हैं, पता नहीं इन्होंने शायद फ्राई करके बनाई है या क्या, पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल है। और इडली तो एक हेल्दी ऑप्शन में आती है, तो इस वजह से मेरी तरफ से तो इसको मार्क्स 4 out of 10 होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऑयल है, हमसे खाई ही नहीं जा रही है। और ये आई है फिल्टर कॉफ़ी, साउथ इंडियन फिल्टर कॉफ़ी। अब हम इसको टेस्ट करके आपको बताते हैं कैसी है। You want to add sugar? Yes. How much? 2 cubes. 2 cubes. That's it. तूने बोला ना 2 cubes. काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मतलब कॉफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है। और जैसे कि हम वो कैपेचिनो और वो पीते हैं उसमें ना उन्होंने काफ़ी क्रीम डाली हुई थी, वो नहीं है, नॉर्मल फिल्टर कॉफ़ी जो होती है दूध में बनी हुई, दूध और पानी के साथ अच्छी कॉफ़ी है। फ्रेश है, फ्रेश है। तो ये था हमारा सफ़र आज पार्क से 10 प्रकाश का। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आई है तो कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हम अपने कॉन्टेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, ऊपर लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।